रण छोड़ बना अमेरिका तो खुश है अलकायदा, आतंकियों की बनी सरकार तो खुश है अलकायदा। अमेरिकन फोर्सेस और नाटो फोर्सेस के जाने के बाद में वो उनको एक एक नई ऑक्सीजन मिली है। ताकतवर हुआ तालिबान तो खुश है अलकायदा। नापाक मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है अलकायदा। अब कश्मीर की भी आजादी चाहता है अलकायदा। ये भारत के लिए चिंता की बात जरूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। तालिबान कहिए, आईएसआईएस कहिए, अलकायदा कहिए, जैश कहिए, लश्कर कहिए, सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबका मिशन एक है, आतंक के हथियार की मदद से इस्लामिक स्टेट की स्थापना। तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हथियार ली तो आतंकवादी संगठनों को एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। अलकायदा ने तालिबान को बधाई संदेश दिया, अपना पूरा एजेंडा भी बता दिया। अलकायदा ने फिलिस्तीन से लेकर कश्मीर तक पर नजर गड़ा रखी है। ये रिपोर्ट देखिए फिर। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ होंगे और दो मेहमान पाकिस्तान से होंगे। जरा पूछेंगे हिसाब, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। मिल गई आपस में आतंकियों की फौज, तालिबान की जीत पर कूदा अलकायदा, दुनिया भर में ठोक दिया जिहाद का जहर। फिलिस्तीन से लेकर कश्मीर की आजादी का भरा दम, आतंकियों की फौज निकली लेकर इस्लामी जमीनों को कब्जाने की मुराद। अलकायदा ने मारी फुफकार, नहीं छोड़ेंगे अब इस्लाम के दुश्मनों को। ओसामा बिन लादेन के सिक्योरिटी इंचार्ज का ये वीडियो देखिए। कभी ओसामा का खास रहा ये शख्स, जब अफगानिस्तान पहुंचा उसका सीना खुशी से बेदम हुआ जा रहा था और झुक झुक कर सब उसके हाथों को चूम रहे थे। इसका नाम है अमीनुल हक। ये अलकायदा का आतंकवादी है। इसकी असली पहचान ये है कि तोरा बोरा में ओसामा बिन लादेन का यही था सिक्योरिटी इंचार्ज। तालिबान और अलकायदा अब खुश हैं। 20 साल की जंग के बाद जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो अलकायदा ने दो पन्नों का मुबारकबाद वाला पैगाम लिखा तालिबान के नाम। इस्लामिक उम्माह को अफगानिस्तान में अल्लाह की बख्शी हुई आजादी पर मुबारकबाद। अमेरिकी सेना को खदेड़ दिया, अब ऐसे ही हमें तमाम इस्लामी जमीनों को आजाद कराना है। ओ अल्लाह, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इसराइल, तुर्की, सोमालिया, यमन और कश्मीर जैसे तमाम इस्लामी जमीनों को इस्लाम के दुश्मनों से आजादी दिला दो। अलकायदा ने कश्मीर का जिहाद प्लान भी लॉन्च कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तान से भी सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं ने कश्मीर में तालिबान की मदद से कोहराम मचाने की बात खुलकर कही थी। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? टेलीफोन हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से। अब सवाल है कि भारत इन धमकियों को कितनी गंभीरता से लेगा। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा एक सच्चाई है और तालिबान का अलकायदा से गठजोड़ एक ऐसी संभावना जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पड़ोस के अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर रहा है और वहाँ के हालात पर हमारी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। नव जल थल, आकाश पाताल कहीं से भी पैदा होने वाले खतरे से निपटने की हमारी तैयारी हमेशा रहती है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अलकायदा ने जो है खुले तौर पर जो है तालिबान को बधाई दी है। और साथ ही में जो भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि अलकायदा ने अपने बधाई संदेश में ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को वो भारत से अलग करेंगे, ये काफ़ी चिंता का विषय है।
भारत में तमाम रक्षा विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि इस धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे लिए चिंता का विषय है क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस प्रकार से जश्न मनाया गया था और जो आप खैबर पख्तूनवा का इलाका है वो ऊपर से आता ही इस पीओके के साथ में है, जहां पर गवर्नमेंट का वैसे भी कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान का, तो हमारे लिए ये खतरा तो जरूर है ही। वो कोशिश करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के बीच में मिलिटेंसी बने। तालिबान के राज के बाद आतंक राज का जो डर दुनिया को सता रहा था वो अब एक सच्चाई बनती जा रही है। तालिबान की जीत पर गदगद अलकायदा अब इस्लामिक स्टेट के सपने में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहा है और कश्मीर तक उसका सपना पहुंच गया है। आज तक ब्यूरो। लेकिन तोड़ है, उस सपने का तोड़ है हमारे पास। हम चर्चा करेंगे, डॉक्टर संबित पात्रा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, हामिद खान पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज रक्षा विशेषज्ञ कराची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, कौन से वो मुल्क हैं जिसे तथाकथित तौर पर अलकायदा चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि ये हमारे लिए इस्लामी जमीन है। फिलिस्तीन, लेवांत का पूरा इलाका जिसे कहा जाता है, उसमें फिलिस्तीन, इसराइल, सीरिया, देखिए एक के बाद एक जो ये तमाम देश हम आपको दिखा रहे हैं, लेबनान, जॉर्डन, इसराइल और साथ ही तुर्की, ये टर्की, ये तमाम जो देश है वहां पर हैं। सोमालिया का भी वो जिक्र करते हैं, यमन का भी जिक्र करता है और इसी के साथ साथ वो कश्मीर का जिक्र कर देते हैं। ये कितनी बड़ी चिंता की बात, डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए अंजना जी, अभी आपने जो नाम दिखाए हैं ये विश्व भर के नाम हैं, चाहे इसराइल का नाम आए, चाहे फिलिस्तीन का नाम आए, चाहे सोमालिया का नाम आए, चाहे जॉर्डन का नाम आए या कश्मीर का नाम आए। तो बार बार जो हम लोग कहते हैं कि आतंकवाद एक ग्लोबल थ्रेट है, ये जो जिहाद है ये ग्लोबल थ्रेट है, आज इस प्रकार के प्रेस वक्तव्य से, इस प्रकार के बयानों से स्पष्ट होता है। ये किसी एक मुल्क के लिए, किसी एक देश के लिए थ्रेट नहीं है, पूरे विश्व के लिए थ्रेट है। और बार बार पूरा विश्व अब जान चुकी है कि आतंकवाद की घटना और जिहाद की घटना पूरे विश्व में कहीं भी क्यों ना हो, उसका पदचिन्ह जो होता है, उसका सोर्स जो होता है, वो अंततोगत्वा पाकिस्तान से होता है। आज ये बात पाकिस्तान के अलकायदा के इस वक्तव्य के बाद स्पष्ट हो गया है। तो देखिए, पूरा विश्व पाकिस्तान को गंभीरता से, जहां तक आतंकवाद का मसला है, बड़े गंभीरता से लेता है, तभी ये आज FATF के ग्रे जोन में मौजूद है। आज पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान टेररिस्तान है दरअसल। और जहां तक भारत का सवाल है, भारत वो प्रथम देश है जिसने आतंकवाद को शुरू से ही गंभीरता से लिया है, क्योंकि आतंकवाद के दंश को सर्वाधिक भारत देश ने ही सहा है। और जहां तक इस विषय को पूरे विश्व में स्थापित करने का विषय है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में भारत में आए हैं, आप देखिए हर विश्व सम्मेलन में, चाहे वो G20 का सम्मेलन हो, चाहे वो क्वाड की मीटिंग हो, हर विषयों में हर स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को यथार्थ रूप से रखा है। UN में भी प्रधानमंत्री ने जाके एक स्पष्ट रूप से कहा था कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, इस प्रकार की पार्थक्यता करने वाले लोग बाद में पछताते हैं। तो भारत आतंकवाद को लेके सदैव ही बहुत चौकन्ना रहा है, और आतंकवाद से लड़ना कैसे है इसके लिए पूरे विश्व को उसने मार्ग दिखाया है, मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे तो दया आती है इन पाकिस्तानियों के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, इनके पास खाने के लिए दाने नहीं है, मगर ये चले हैं पूरे विश्व को कब्जाने के लिए। ये तो बड़ी शर्म का विषय है, बड़ी शर्म की बात है। आपने कहा कि दया आ रही है इन पे और तुरंत सिर झुका लिया उन्होंने, हामिद साहब चलिए बोल लीजिए मन की बात। और यही वो पूरा इस्लामिक स्टेट बनाने का आपको लग रहा था कि एंड गेम प्लान आएगा, जिसकी वजह से आप लोग, आपको सवाल नहीं सुन रहा था क्या जी मिस्टर खान? इतनी तो तमीज रखिए सर, थोड़ा सवाल सुन लीजिए। आप सवाल इतने लंबे करती है कि दूसरे को ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपके मन में आप इतने उतावले हो रहे हैं ना बोलने के लिए, सुनिए सवाल। क्या यही वो वजह थी जो अलकायदा ने अब ऐलान किया है कि हम इन देशों से भी आजादी लेंगे, जिसमें कश्मीर का भी नाम लिया है, जिसकी वजह से इतनी खुशी आप लोग मना रहे थे? देखें, बात यह है कि चिंता की बात तो आपके लिए है, क्योंकि कश्मीर ने तो आजाद होना ही होना है। आप जो मर्जी कर लें, कोई भी ऑक्यूपाइड जो फ्रीडम मूवमेंट वहां जो चल रही है, वो अपने जो है ना रिजल्ट और अंजाम को तो पहुंचेगी। और जो श्रीनगर है वहां पर मुसलमान पाकिस्तान का झंडा जरूर लहराएंगे, एक बात। दूसरी बात ये समझिए कि आप अगर इतने परेशान और अगर आपकी सेना इतनी ताकतवर है
तो जब अमेरिका ने कहा था कि अपनी सेना काबुल भेज दे, तो आपके जो जनरल जीडी बख्शी हैं उन्होंने खुद कहा कि हमारे मोदी जी की और हमारे फौजियों की टांगे कांपने लग गई थी जब अमेरिका ने यह डिमांड की कि हमारे फौजी काबुल जाएंगे यानी तालिबान से मार खाएंगे। अब तीसरी बात सुन लीजिए, तीसरी बात भी सुन लीजिए, और वो ये है कि हकीकत ये है, द रियलिटी ये है कि इंडिया को सबसे ज्यादा फिक्र उस बात की है कि वाकई ही तालिबान तो तालिबान जो कश्मीर के अंदर जो लावा पक रहा है आजादी का, मुजाहिदीन का, हुर्रियत के लोगों का, वही आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आखिरी बात तो ये है कि आप एक बात समझे, तालिबान के साथ साथ एक बार हामिद खान आप अलकायदा की भी जय जय कर दीजिए। आप बिल्कुल, मैं कहता हूं देखें अलकायदा है तालिबान है, एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, हम जे जे नहीं कर रहे, हम फ्रीडम मूवमेंट जो कश्मीर की कश्मीरी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। आपने सवाल सुना मेरा, रहेगा तालिबान कह रहा है कश्मीर की बात, अलकायदा कह रहा है कश्मीर की बात, माफ कीजिए, तो अलकायदा की भी जय जय कर दीजिए। आपने तालिबान पर तो ताली बजा ही दिया इमरान ने, अंजना हामिद खान, अंजना हामिद खान, मैं हामिद खान जी, आप अलकायदा की भी प्रशंसा कर रहे हैं ना, अलकायदा की भी अलकायदा की प्रशंसा नहीं कर रहा, नहीं अलकायदा की प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं उस आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं जिसके तहत मुसलमान हो और कश्मीरी जो 74 ईयर से 1,00,000 से ज्यादा जाने दे चुके हैं, हत्या हो चुकी है, पुरानी कहानियां ना खड़ा किया है, हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है, इतनी पुरानी बात, दिस इज द टाइम फॉर द फ्रीडम, घिस चुका है ये वाला रिकॉर्ड, घिस चुका है, दिस इज द टाइम फॉर द फ्रीडम, रिकॉर्ड घिस चुका है हामिद खान। पता नहीं अगर आप वाकई पत्रकार हैं, जरा जरा खबर पढ़िए कश्मीर में क्या मन रहा है इस वक्त। एक बार संबित जी जवाब दे दें, फिर सुप्रिया जी तुरंत आपके पास फौजी है, मुझे ये पता है कैसा अमन है, 10,00,000 फौजी है। एक सेकंड शांति से जरा सुनिए सुनिए अंजना जी, इन्होंने 10 बार मुसलमान 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 शब्द का प्रयोग किया, इनको लगता है कि मुसलमान मुसलमान कह के भारत के अंदर एक वेज अर्थात कहीं ना कहीं एक फाट ये बना देंगे, ऐसा नहीं होगा हामिद साहब। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, आप मुझे बताइए, ये जो लोग भाग रहे थे अफगानिस्तान में, अभी भी भाग रहे हैं, फ्लाइट के आगे, प्लेन्स के आगे लटक लटक के जो प्लेन के टायरों में जा रहे हैं और आसमान से कूद कर की जान दे दे रहे हैं, जो आज खतरे में हैं, वो कौन है? वो कोई सिख हैं? वो कोई हिंदू हैं? ना, बिल्कुल वो मुसलमान ही हैं, वो मुसलमान ही है। मैं बताता आप सरिया कानून, सरिया कानून, रुके रुके रुकिए हामिद साहब, रुके रुके आप शांति से रुकिए तो सही। आप सरिया कानून, सरिया कानून, सरिया कानून कहते हैं, आप कहते हैं कि मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ये एकदम जन्नत का रास्ता खुल जाएगा, ये काहे का जन्नत का रास्ता है, जहां महिलाओं को आप मार देते हैं, जहां महिलाओं के लिए एजुकेशन नहीं है, जहां लोग मर रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप काहे का पत्रकार हैं? मैं तो कहता हूं, नहीं, शायद नहीं, आप पता नहीं, आप कैमरा पर्सन से जुड़े, एक सुनिए 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 मेरी बात, पांच सेकंड सुनिए आप पत्रकार हैं, सुनिए पांच सेकंड सुनिए, जरा जरा आप अपना, आप मेरे ख्याल से कैसे जुड़े हुए नेट के माध्यम से, जरा फैन करके दिखाइए तो अपने कैमरे को, मुझे तो लगता है दो बंदूकधारी आपके पीछे भी खड़े होंगे, वरना तो आप ये सब कहते नहीं, आजकल तो वो चल रहा है, फैशन में है आप लोगों के यहाँ कि बंदूकधारी खड़े होते हैं पत्रकारों के पीछे और पत्रकारी बोलते हैं। नहीं, आप दिखाइए पहले कैमरे को, फैन करके दिखाइए, मुझे तो पूरी पूरी तरह से यकीन है कि जरूर पीछे बंदूकधारी खड़े होंगे, वरना ये आप बोलने, ये आप बोल ही नहीं सकते, आप माफी मांगेंगे? आप पहले कैमरे तो दौड़ाइए, आप कैमरे दिखाइए, बता रहा हूँ जरूर बंदूकधारी खड़े हो, आप माफी मांगेंगे, आप दिखाओ तो सही पहले, ये जिना, अरे आप दिखाओ, आप दिखाओ, मैं बंदूक, आप फिर माफी मांगता हूँ, आप दिखाओ, ये जिना साहब की तस्वीर है, आप कैमरा घुमाओ तो सही, की तस्वीर है मेरे दोनों तरफ, जिना साहब और अलामा मशरकी की तस्वीर है मेरे दोनों तरफ, जिना साहब अब सामने दिखाओ, आप सामने दिखाओ, सामने ना खड़े हो वो भी दिखाओ, ये दिखाओ सामने, ये लो अब सामने दिखाओ, अब सामने दिखाओ, सामने अब सामने तो दिखाओ, अब सामने दिखाओ, फिर मैं मांगता हूँ सामने, अच्छा यार डिले है ना थोड़ा सा, देख लूं अच्छे से साहब, अब सुन लो, अब हामिद साहब, अब हामिद साहब सुन लो मेरी बात, अगर यहाँ पर बैठ के एक साधारण सा, सुनो मेरी, सब देख लिया, सब देख लिया, अब मेरी बात ध्यान से, अब मेरी, अब सुनो, मांग रहा हूँ, सुनो,
आप माफी तो मांगो सुनो, ना सुनो मेरी बात सुनो फिर अगली बार सुन तो लो माफी सुनो तो सही सुनो सुनो अरे सुनो, माफी तो मांगो हामिद साहब यहाँ इंडिया में बैठ करके बिना कुछ किए मैंने आपके कैमरे को गोल गोल घुमा दिया आपको चक्कर दिलवा दिए सोचो कश्मीर कश्मीर करते हो हमारे आर्मी का एक जवान आएगा तो आपका क्या हश्र करेगा यहाँ बैठे बैठे मैंने आपको आपके पंखे दिखवा दिए आपके घर दिखवा दिया आपका गार्डन तक में चला गया राउंड 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 घुमा दिया आपको यहीं बैठे बैठे मैंने ये तो आपका ये तो आपकी हालत है आप पंखा दिखा रहे हो कभी फर्श दिखा रहे हो हमारे आर्मी के जवान उतरेंगे तो आपका क्या हासिल करेंगे सोचो एक प्रवक्ता ने आपका क्या हालत किया सोचो जरा अरे आप मेरी बात मतलब ये कैमरा लेके राउंड राउंड घूम रहे हैं पाकिस्तानी मेरी बात सुन अरे मेरी जुबान नहीं मेरे जुबान से ही मैंने आपको हिला दिया है अभी बंदूक लेके उतरेंगे हमारे जवान तो क्या करेंगे अरे आपकी बात क्या सुनना अब हाँ अब बैठ जाओ जी हामिद साहब अब ना हो पाएगा आपसे ठीक है सुप्रिया श्रीनेत बोलेंगे जब बात देश की आती है तो हमारा विपक्ष भी एकजुट होता है सुप्रिया श्रीनेत क्या जवाब देंगे हामिद खान को नहीं हामिद रुके मिस्टर हामिद रुके मैं आ रही हूँ ब्रिगेडियर साहब के पास भी मुझे जाना है रुक जाइए आपको अब मैं दूंगी सर वो 30 सेकंड्स देना है नहीं मैं डिसाइड करूंगी थोड़ा सा रुक जाए सुप्रिया जी मैं सबसे पहले तो हामिद खान साहब से एक बात कहना चाहती हूँ आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र मत करिए क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान केरल से कश्मीर तक वतन परस्त है आप लोगों की बेकार की बातें सुन सुनकर इस देश के लोगों के हामिद खान बीच में चुप रहिए आप बीच में मत बोलिए बीच में बिल्कुल मत बोलिए चुप रहिए आपको मैं एक सलाह दे देती मुझे मौका दीजिए आप जो सांप को दूध पिला रहे हैं ना तालिबान में वो सांप पलटकर आप ही को काटेगा उसने यूएस के साथ भी किया रशिया के साथ भी किया और आपका तो वो हश्र होगा जो आपके सॉइल से भारत विरोधी संगठन चल रहे हैं चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो चाहे वो JEM हो चाहे वो LET हो और जिस तरह का स्वागत आप लोग तालिबान का कर रहे हैं ये सांप पलट कर एक दिन आप ही को डसेगा ये मार्क माय वर्ड्स मिस्टर हामिद खान और आप रोएंगे उस दिन और आप कोसेंगे अपनी सरकार को ये करने के लिए अपने ISI को ये करने के लिए जो हो रहा है तो भारत के खिलाफ आप बोलने की जरूरत भी मत करिएगा मैं पहली बात बोल ये हमारा इंटरनल मामला है यहाँ हम निपटेंगे एक बार चुप रहिए आप यहाँ पर आकर भारत को और भारत के मुसलमानों को कुछ भी कहने का कोई हक नहीं रखते जहां तक तालिबान की बात है हमें जैसा प्लीज कीप क्वाइट ऑफर मी द कर्टसी दैट आई ऑफर्ड यू व्हेन यू वर स्पीकिंग अगेंस्ट माय कंट्री कीप क्वाइट नाउ एंड लिसन टू मी और जहां तक भारत के तालिबान से नो यू विल हैव अ राइट व्हेन योर टर्न अराइव्स दैट्स हाउ वी डिबेट इन इंडिया इन पाकिस्तान व्हेन यू स्पीक ओवर ईच अदर कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी यू डोंट गिव इक्वल चांस टू द पर्सन हु रुके रुके हामिद खान रुके रुके चुप रहिए और जहां तक तालिबान की बात रही भारत सरकार को यह फैसला करना होगा और इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ये बात करेंगे मुझे लगता है कि तालिबान एक टेरर संगठन है मोदी जी ने न गुड तालिबान न बैड तालिबान की बात करी है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार विल हैव टू वॉक द टॉक लेकिन वो बात भाजपा के प्रवक्ता और मैं करेंगे वो हामिद खान और ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठ के हमें नहीं बताएंगे हमें क्या करना है आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं जिस सांप को आप पिला रहे दूध वही एक दिन आपको पलट के डसेगा वो देखिए ब्रिगेडियर हारिस खान नवाज अब एक सेकंड मिस्टर हारिस नवाज साहब मैं आ रही हूं सर बारी बारी से आ रहे हैं ना सबके पास एक साथ बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा आपकी बात मेरा सवाल आपसे ये है कि आतंकवाद और आतंक का जब ऐसे राज होता है तो तालियां जो बजाई जा रही हैं अब कश्मीर को लेकर तमाम जो सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर अलकायदा पर क्या कहना है आपका देखें आपको प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि क्योंकि वहाँ तालिबान आए हैं उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की है कि वो अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे आपको प्रॉब्लम ये कि आपकी रॉ की इन्वेस्टमेंट आपकी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट जो अफगानिस्तान में वो सारी ज़ाया हो गई आपके कनेक्ट खत्म हो कनेक्शन खत्म हो गए ना वह तहरीके तालिबान को आप सपोर्ट करेंगे ना दाइश को करेंगे और जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन होगा हमें ये आप लोग लश्कर जैश पालते रहेंगे इन सबको अगर अफगानिस्तान में अमन होगा सर आप लोग लश्कर जैश इन सबको पालते रहेंगे यूं ही आपको नेबर के साथ रहना ही नहीं आता यू आर द मोस्ट हॉस्टाइल एंड टेररिस्ट सवाल इनको आवाज नहीं जा रही क्या आवाज जा रही है ब्रिगेडियर नवाज पाकिस्तान को कश्मीर ब्रिगेडियर नवाज आपको आवाज जा रही है आप लश्कर और जैश इन सबको यूं ही पालते रहेंगे वो अब आपको सारे मार रहे हैं और आप उनके पीछे पड़े हुए हैं इसलिए ये बात ना करें कश्मीर ना कश्मीरी आपके और ना मुसलमान जो मुसलमानों को हम लिंचिंग करते हैं जो डंडे मार मार के गरीबों को मारते हैं मस्जिदें गिरा देते हैं ये आपको क्या मुसलमानों को ख्याल करते हैं ब्रिगेडियर नवाज मैंने बड़ी बातें आप लश्कर और जैश को यूं ही पालते रहेंगे प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो लगा था कम से कम वहां की सेना वालों में थोड़ी सी हिम्मत होगी वरना आप ऐसे भागते नहीं मेरे सवाल से ही भाग खड़े हो रहे हैं आप
अंजना, वरना सामना कीजिए ना मिस्टर नवाज। आपके सवाल है, लश्कर है और जैश को यूं ही पालते रहेंगे? लश्कर और जैश को यूं ही पालते रहेंगे? आगे मूव करें, आपने सब जवाब दीजिए ना। बच्चा हुआ कि सारी इन्वेस्टमेंट आया हुई आपकी, ये लश्कर एंड जैश को यूं ही पालते रहेंगे? आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की, आपके ब्रिगेडियर पाकिस्तान की सेना के सवाल से ही भाग गए। ये तो इनकी हालत है, ये तो इनकी हालत है। डॉक्टर समित बहुत देर से हाथ उठा हुए, फिर आपने दो जहाज गिरा दिए, आपके पायलट को लश्कर ब्रिगेडियर इत्यादि शांत हो जाए, तो सवाल से ही भाग रहे हैं सर इनसे। क्या अंजना जी, जब ब्रिगेडियर साहब कमाल कर रहे हैं, अंजना जी मैं जरा यहाँ लोगों के विषय को दुरुस्त कर दूं। ये जो इनके ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, इनको कोई युद्ध युद्ध लड़ना नहीं होता है। ये आपने सुना है कभी पाकिस्तान ने कोई जंग जीत ली हो? कभी सुना है? चार चार पांच पांच को हम इसे हार के बैठे हुए हैं। बैठ जाओ ब्रिगेडियर साहब, बैठ जाओ ब्रिगेडियर साहब, चिल्लाओ मत, आराम से बैठ जाओ। हम लोग किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करते, शांति से सुनो ब्रिगेडियर साहब। अंजना जी मैं अभी हकीकत बताता हूँ, ये जो ब्रिगेडियर जनरल सब बने हुए पाकिस्तान में, ये चांदनी चौक से ये खरीद खरीद के ये मेडल टांग, ये जो इतने 3600 मेडल टांगते हैं, कहाँ से मेडल लाते हैं? ये काहे बात का युद्ध लड़े हुए हैं? आप बताओ मुझे, ये ब्रिगेडियर साहब कौन सा युद्ध जीते हैं? यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ जो ये 30 मार खान बने हुए हैं, कौन सा युद्ध जीते हैं? कोई युद्ध नहीं जीते हैं। ये सब के वॉशिंग मशीन के फैक्ट्री, कोई पापड़ बना रहा है, कोई टिक्की बना रहा है, साबुन की टिक्की बना रहा है। एक सेकंड ब्रिगेडियर साहब, बीच में नहीं बोलते हैं आप, उम्र तराज हो, हम रेस्पेक्ट करते हैं बड़े लोगों का, आप शांति से सुन लो फिर जवाब दे देना। ये हकीकत नहीं है क्या? ये जितने भी ब्रिगेडियर जनरल है, आप सबकी कोई किसी की साबुन की टिक्की की फैक्ट्री है, किसी की बूशर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो किसी की नील बनाने की फैक्ट्री है, किसी की वॉशिंग मशीन बनाने की फैक्ट्री है, तो आप काम करते हैं, युद्ध तो आप लड़ नहीं सकते हैं। अब डिपेंड कर रहे हैं तालिबान आपके लिए युद्ध लड़ेगा, खुद तो लड़ा जाता नहीं है आपसे, घुटने टेक देते हैं और तालिबान आपको आके आपकी लड़ाई तालिबान लड़ेगा। देखिए एक बात याद रखिए, अभी 4 दिन पहले इन्हीं तालिबानियों से आपकी लड़ाई हुई थी, आपके 2 जवानों को मार दिया था तालिबानियों ने, टीटीपी वालों ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने, और आपने रिटेलिएट करके उन 4ों को मारा था वहां। आप बताइए, लड़ाई तो हमसे लड़ने से पहले आपके साथ शुरू हो गई है। सांप और सपोले पालोगे अपने आंगन के अंदर ब्रिगेडियर साहब, तो एक बात कान खोल के सुन लो, ये हमारे पास आने से पहले आपको डस डस के आएंगे, पहले आपको मारेंगे। अंजना जी अभी 7 दिन पहले ये 9 चीनी और कुछ पाकिस्तानियों को जो ये सीपेक पे काम कर रहे थे ना, इन तालिबानियों ने घेर घेर के मार दिया था, जान से मार दिया था। तब इनके ISI के चीफ भागे थे हाथ जोड़ के, माफ कर दो जी सी जिनपिंग जी, हमें माफ कर दो, चाइना गए थे माफी मांगने के लिए। ये क्या चाइना, ये क्या लड़ेंगे कश्मीर के लिए? ये तो खुद पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। ये जो TTP है, तारीखे तालिबान पाकिस्तान, 2014 में पेशावर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के चीथड़े उड़ गए थे, पाकिस्तान के माएं रो रही थी, आप बताइए किसका काम था? ये तालिबान का ही काम था। ये आतंकवाद को पालेंगे। परवेज मुशर्रफ क्या कह रहे थे? परवेज मुशर्रफ कह रहे थे, इनके प्रेसिडेंट थे पहले, ये कह रहे थे कि ओसामा बिन लाडेन हमारा हीरो है, हक्कानी हमारा हीरो है, ये सांप और सपोले तो इनके हीरो हैं। और कमाल की बात है, ये ओसामा बिन लाडेन भी अगर जीवित होता, बिल से निकलकर आता तो बोलता है मैं 2.0 हूं, मैं रिफॉर्म्ड ओसामा बिन लाडेन हूं, मुझे अब मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं पीस कीपर हूं, मैं रिफॉर्मिस्ट हूं, और ये सब उस पर विश्वास कर जाते। अबोटाबाद में छुपा के रखा था। इन पाकिस्तानियों के किसी भी बात पे भरोसा नहीं करना है, पूरा विश्व जानता है ये आतंकी स्थान है। और ये ब्रिगेडियर और ये लेफ्टिनेंट जनरल, ये सारे यहाँ आके, पता नहीं आप लोग उनके पैसे वैसे देते हो कि क्या, इनकी पूरी इकोनॉमी इसी से चलती है, वरना ये कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं? कुछ करना धरना तो है नहीं। पहले इनसे अंजना जी पूछो, ये ब्रिगेडियर साहब कहाँ से? ठीक है, ये तमाम सवाल पूछेंगे। और सुप्रिया जी मैं आपके पास भी आऊंगी, हमिद खान भी बोलना चाह रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। और सवाल यही है कि तालिबान का दम भर रहे हैं, अब अलकायदा का दम भर रहे हैं, और उसी के जरिए कश्मीर के एक प्रॉक्सी वॉर की तैयारी में है क्या? देखते रहिए आज तक। ये जो तालिबान का दम आप भर रहे हैं, दिखाइए जरा पत्रकार साहब को, दिखाइए भाई हामिद खान, उसके बाद सुप्रिया जी आप जी। सुप्रिया जी की भी बातों पर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, जवाब दीजिए। तालिबान का दम भरते हैं, अब अलकायदा का भी। जो सवाल संबित पात्रा पूछ रहे हैं, क्या उसमें दम है? खुद लड़ नहीं सकते तो आतंक के ये प्रॉक्सी वॉर जहां जहां से खेले आप लोग खुश होते हैं। मैं सिर्फ एक सबसे पहले ये कहूंगा कि समित पात्रा साहब ने जो बात की कैमरे वाली,
उसका एक ही नतीजा निकला कि जो धोखा आप नेहरू से हम देखते आ रहे हैं, जो 1948 में नेहरू ने यूनाइटेड नेशन में धोखा दिया मक्कारी से कश्मीरियों को प्लेबिसाइट का कह के, ये धोखा आपके खून और सृष्ट में शामिल हो चुका है। आप इसको कामयाबी समझते हैं, ये अय्यारी होती है। मोदी जी, जहां तक की बात है मुसलमानों की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी के होते हुए आप मुसलमानों की सुरक्षा का नाम लेते हैं, मेरा ख्याल है आप सबके सर शर्म से झुक जाने चाहिए। जो मोदी जी जो है वो गुजरात के कातिल हैं, उनका अमेरिका में सवाल सुनाई नहीं देता क्या? हामिद खान बनने से आपको पहले सवाल सुनाई नहीं देता क्या? विषय क्या है, क्या बोले जा रहे हैं? पहले मैं पिछली बात का जवाब देना चाहूंगा। आप अपना लिखा हुआ पुराना ऐसे जो रख के आए ना, उसका पेपर रख दीजिए साइड में। हामिद खान और ब्रिगेडियर, हामिद खान जी, ब्रिगेडियर ये प्रॉक्सी वॉर से बाज नहीं आएंगे, लश्कर जैश को मानते रहेंगे और खुद नहीं लड़ सकते, इनके जरिए लड़ेंगे। ब्रिगेडियर ये सवाल है, जो बात कही वो आपको समझ नहीं आई कि बात ये है कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई, आपके हजारों कुलभूषण जो हैं वो बेकार हो गए, वापस चले गए अफगानिस्तान से। और हम जब जंग की बात आती है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम कुलभूषण की तरह उसको नीचे उतारते हैं, आपके जहाज गिराते हैं। आप ये याद रखें कि आप माजी में जिंदा हैं, हम वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट, आप ये बात याद रखें। एंड द मोस्टली थिंग आई वॉन्ट टू से that the people of India, especially the Muslims of India, are living a hostile life. And you are, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरे कुछ नया बोला कीजिए, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जनता भी बोर हो गई है, एक ही बात बोलते रहते हैं, आपका रिकॉर्ड अटक गया, नहीं जनता को मौका नहीं देती, यही तो प्रॉब्लम है कि जनता को मैं आपसे फायदा पर सवाल पूछ रही हूँ, आप रिकॉर्ड का आपका मीडिया जो गोडी मीडिया है वो सब कुछ क्या कर रहा है, अरे इनका रिकॉर्ड अटक गया, क्या कर रहा है हमारे मीडिया की चिंता करने से पहले मुझे अच्छी तरह से पता है, आपको इंदिरा गांधी जी का चेहरा जरूर याद आ जाता होगा, उन्होंने जिस तरह से दो टुकड़े आपके करके विश्व का भूगोल बदला और बांग्लादेश को जन्म दिया, उस हार से आप अभी तक उभरे नहीं है, वो दिख रहा है, वो आपका फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है, आप हिंदुस्तानियों की बात बिल्कुल मत करिए, फिर बीच में बोल रहे हैं की बात करिए, गांधी जी को खुद तो ऐसा लग रहा है कि वहां की सरकार के कोई मिनिस्टर है, आप कोई मिनिस्टर भी इतनी शिद्दत से नहीं सरकार को बचाता है जितनी आप बचा रहे हैं, चुप रहिए बीच में, मैं पैट्रियट आवाज इनका पैट्रियोटिक बचाएगा, हाँ हो गया देख लिया आपका पैट्रियट नहीं बचाएगा, पैट्रियट नहीं पैरट लग रहा है, पैरट लग रहा है, रुके आपकी हामिद खान जी, आपकी चार पुश्तों के ख्वाब में नेहरू जी और इंदिरा जी आते थे, उन्होंने जो आपका हश्र किया था, तो आपकी साथ आने वाली पुश्तें भी हमें ही याद करेंगे, बाद जो हमारे फिर जो बीच में जरूर कहना चाहिए, फिर बीच में हामिद खान ऑफिस इनका ऑडियो डाउन कर इनका रिकॉर्ड अटका। दिक्कत की बात यह है कि पाकिस्तान अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकता है, कभी चीन की कठपुतली बना रहता है, अब तालिबान के इशारे पर नाच रहा है, उसको शायद इतिहास से कोई लेसन ही नहीं लेना है कि जो सांप को आप दूध पिला रहे हैं वो आपको सबसे पहले काटेगा। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बातें सुनकर खुश हूँ, मैं संबित पात्रा की बात सुनकर खुश हूं कि वो तालिबान को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, उनको लगता है कि तालिबान ने औरतों के साथ और टेरर एक्टिविटीज करी है, तालिबान के संबंध जो है वो लश्करे तैयबा तक से है, अलकायदा से है। मैं खुश हूं उस बात को इसलिए सुनकर क्योंकि सरकार को भी तालिबान को टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानना पड़ेगा। तालिबान का जो नाम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से निकाल दिया गया जिसकी अध्यक्षता भारत ने करी, मुझे लगता था वो गलत है, उसमें संशोधन होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि पाकिस्तान किस बूते पर कूद रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, न सिर के नीचे ऊपर छत है, न पैरों के नीचे जमीन है, आप किसके इशारे की कठपुतली कब तक बने रहना चाहते हैं, कटोरा लेके विश्व में कब तक घूमिएगा? लेकिन बात असल ये है कि जिस बढ़ावा आप दे रहे हैं जिस आतंकवाद को, वो विश्व के लिए खतरा है, उस आतंकवाद का सामना हमने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे, और मैं अपनी सरकार से अपेक्षा करती हूँ, आशा करती हूँ और पूरा विश्वास है कि वो आतंकियों को से के साथ किसी भी संबंध को बढ़ावा नहीं देंगे। जो बात कल हुई है वो विश्व के साथ शेयर होगी, देश के साथ शेयर होगी कि आखिर तालिबान ने हमसे क्या कहा, ये बातें शेयर होनी जरूरी है, ये होंगी। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर आकर बिना सिर पैर की बातें करे, इसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं जवाब देता हूँ। अंजना जी, मुझे जरा आश्चर्य हुआ, मुझे लगा कि बहुत सारे डिबेट्स हैं, अभी 5 बजे भी डिबेट हुआ, 8 बजे भी डिबेट होगा, सैकड़ों डिबेट होते हैं, मुझे लगा था कि हमारी बहन जो कांग्रेस से आई है वो थोड़ा इंतज़ार कर लेती, दूसरे डिबेट में ये सवाल उठा लेती,
भारतीय जनता पार्टी और भारत के सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम वो किसी और दूसरे डिबेट में कर लेती, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के दो गेस्ट मौजूद हैं। बहरहाल उन्होंने वही किया जो हर दिन करती हैं, यहाँ भारत के सरकार को कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने सवाल भी पूछा पाकिस्तान से कि आखिर पाकिस्तान किसके सह पे उछल रहा है। बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान तालिबान के शह पे उछल रहा है, चीन के शह पे उछल रहा है, मगर कुछ तो कांग्रेस के शह पे भी उछल रहा है। ये जो गोदी मीडिया अभी कह रहे थे इनके लोग, किसने ये टर्म कॉइन किया है? आप ही लोगों ने टर्म कॉइन किया है। ये जो बार बार मुस्लिम्स डेंजर में है, यहाँ डर का माहौल बना हुआ है, ये लोग कह रहे हैं, किसने बोला है इनको? ये आप ही लोग रोज रोज झूठी खबरें फैला करके कि यहाँ डर का माहौल है, भारत में मुसलमान परेशान है, ये आप ही लोगों ने किया है, राहुल गांधी ने किया है। मुझे लगता है तो हामिद खान साहब आपका और ब्रिगेडियर साहब बहुत धन्यवाद। हामिद खान पेट्रियट बनिए, पैरेट मत बनिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल रहने के लिए। धन्यवाद, बंद कीजिए इन दोनों को। चलिए जल्दी से संबित जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सुप्रिया जी जवाब देंगे। देखिए, अगर हम दोनों का डिबेट होना था तो सुप्रिया जी को थोड़ा सा तो धीरज रखना चाहिए था। क्या आवश्यकता थी दोनों पाकिस्तानियों के सामने इस प्रकार की बातें करने की? और देखिए, हामिद जो यहां पर पत्रकार आए हुए थे वो मुस्कुराते हुए गए और उनकी आवाज तो कम हो गई, मगर यही कह रहे होंगे देख लो आप, आपका कांग्रेस ही तो आपको टारगेट कर रहा है, जो हम कह रहे थे वही कांग्रेस कह रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है आखिर ये कांग्रेस पार्टी सुधरेगी कब सुधरेगी। और आज मैं बिल्कुल बहुत आश्चर्य का विषय है, नो डाउट आज मुझे समझ में आ रहा है कि ये हाफिज सईद क्यों कहता है कि हाँ एक अच्छी पार्टी है इंडिया में जिसका नाम कांग्रेस है। अगर इस प्रकार का व्यवहार में, देखिए अंजना जी, कोई डिबेट्स की कमी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले किया है, फिर एक कर लेते प्रेस कॉन्फ्रेंस, गाली दे देते भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। मगर पाकिस्तानियों की मौजूदगी में मैं आशा करती हूं कि भारत की सरकार आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगी, आतंकवाद के साथ खड़ी नहीं होगी। क्यों आपको विश्वास नहीं है भारत की सरकार की? आपको भारत की सरकार, आप अभी मत आइए, थोड़ी देर रुकिए फिर आ जाइएगा। मगर मुझे आश्चर्य होता है ये सेंटेंस कहने की क्या आवश्यकता है? आपको विश्वास नहीं है क्या भारत की अपनी सरकार के ऊपर, जो आपने पाकिस्तानियों के सामने कहा कि मैं आशा करती हूं भारत की सरकार आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं करेगी? हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, हम आगे भी करेंगे। अंजना जी ठीक है, आप दूसरों के सामने ये आशा करने की क्या जवाब लेते हैं? जवाब लेते हैं सुप्रिया जी। लीजिए अंजना जी, पाकिस्तानियों को अगर किसी से डर लगता है तो नेहरू और इंदिरा गांधी से ही थर थर कांपते हैं वो, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने ही दो टुकड़े किए थे पाकिस्तान के और आज तक उभर नहीं पाए हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्योंकि अब पाकिस्तानी चले गए, अब तो अपने घर की बात है और घर के मुद्दे सुलझाने भी चाहिए। कल रात के तक बीजेपी वाले क्या कहते थे? तालिबान टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। आज सुबह से क्या बदल गया? क्योंकि बात हो रही है अब इंडियन गवर्नमेंट की आधिकारिक तौर से, हम तो कहते थे दोहा में भी इनकी बात हुई है, राज्यसभा में भी इन्होंने जवाब दिया कि हाँ हमारी दोहा में बात हुई है, बाहर आके कहते थे नहीं हमारी कोई बात नहीं हुई है। अब जब इनकी आधिकारिक तौर से बात हो रही है तो क्या हम गुड तालिबान से बात कर रहे हैं या बैड तालिबान से बात कर रहे हैं? हमें पूछना पड़ेगा। हमें एक और चीज पूछनी पड़ेगी कि अगर बाकी लोग जो तालिबान की बात करते थे उनके खिलाफ केसेस हो रहे थे और होने भी चाहिए, तालिबान एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार अपना मत स्पष्ट करे, क्या तालिबान टेरर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका बहिष्कार होना चाहिए, अगर नहीं है तो यूएनएससी से जो फरवरी 2020 में हुआ है समझौता कि उनको डीलिस्ट किया जाएगा टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, क्या हम उसके समर्थन करते हैं? भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगस्त में अध्यक्षता करी और हमारी ही अध्यक्षता में 16 अगस्त को एक बयान आया जिसमें तालिबान का नाम था टेरर ग्रुप में और 27 अगस्त के बयान में वो नाम हटा दिया गया, तालिबान का अफगान ग्रुप बोल दिया गया। हमने क्यों ऐसा काम किया? हमें तो आशा थी कि मोदी जी वहां पर मुस्तैदी से बात रखेंगे और कहेंगे जवाब देता हूं, ये शांत हो जाए, इनको हटाया गया। मैं जानना चाहती हूँ, इतने लंबी बात करी थी, 2 मिनट में चुप रहे, मैं अभी बोल रही हूँ अंजना जी। नहीं नहीं अंजना जी, उनको काफी टाइम दिया, मुझे भी थोड़ा। अंजना जी मुझे पूछ रही है तो क्यों चुप रह जाऊं? अंजना जी मैं जवाब दूं या चुप रहूं, क्या करूं? पूरा कर ले, पूरा कर ले सुप्रिया जी, पूरा कर ले। अंजना जी मैं फिर से एक बात पूछना चाहता हूं, करेंगी पाकिस्तानियों के सामने ही अपनी देश की किरकिरी करके अब क्या पूरा करेंगी? जो कूटनीति होती है, जो विदेश नीति होती है,
वो फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार नहीं होती है, झूला झूलना नहीं होती है। आपकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई है। उसका नमूना यह है कि रशिया ने ट्रॉइका प्लस में हमें नहीं रखा, अमेरिका ने 125 देशों के साथ बयान जारी किया, उसमें भारत का नाम नहीं था। आज रशिया और अमेरिका जो हमारे दो अच्छे फेयर वेदर फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी हमें तिलांजलि दे दी है। इसका जो ठीकरा है वो किसके सर फोड़ा जाएगा? 7 साल से सरकार आप चला रहे हैं, क्यों नहीं आपने अमेरिका के नॉन नेटो एलाइज को जो सिक्योरिटी मिलती है हमारे लिए कुछ किया? क्यों रशिया ने ट्रॉइका में ईरान को रखा, ट्रॉइका में तालिबान को रखा? उस ट्रॉइका में हम नहीं है। अमेरिका ने सिक्योरिटी इसराइल को दी, अमेरिका ने सिक्योरिटी पाकिस्तान को दी, इंडिया को क्यों नहीं दी? सुप्रिया जी वक्त की कमी है, जवाब जवाब अंजना जी हो गया हो तो सुन लिया जाए। देखिए अंजना जी, पहली बात तो है मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं। एक सेकंड प्लीज अंजना जी, आप प्लीज आप अंजना जी इनकी आवाज कम करिए, जरा इनकी आवाज कम करिए। संबित जी जवाब दीजिए। अंजना जी पहली बात, हम जवाब कैसे दूं, चिल्लाती हैं बीच में। अंजना जी पहली बात तो है कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस अगर हम इवैक्यूएशन करके इंडियंस को नहीं लाते हैं तो ये बोलेंगे क्यों जल्दी नहीं लाते हैं। अगर हम पेशेंस दिखा करके तब तक कोई कमेंट नहीं करते हैं जब तक हम पूरी तरह से इवैक्यूएशन प्रोसेस को, जो कि बहुत सक्सेसफुली चल रहा था, अभी भी आगे सक्सेसफुली हम उम्मीद करते हैं, जो थोड़े बहुत हिंदुस्तानी रह गए हैं उनको भी हम सक्सेसफुली लेके आएंगे, तब तक भारत की सरकार अगर बहुत धीरज के साथ कदम फूंक फूंक के रख रही है तो कांग्रेस चाहती है केवल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेटमेंट जारी करने का खेल खेले, ये भारत की सरकार कभी नहीं करेगी। भारत की सरकार एक परिपक्वता के साथ पहले लक्ष्य, वो जो पहला लक्ष्य है वो यही है कि भारत के नागरिक, जो भारत के लोग वहां मौजूद हैं, जो हिंदू और सिख वहां मौजूद हैं, जो अफगानिस्तान के भी नागरिक हैं, उनको निकाल करके हिंदुस्तान लाना, इसलिए धैर्य के साथ हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, आप याद करिए, यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने लंदन में अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि भारत में जो सरकार है दैट इज इक्वल टू मुस्लिम ब्रदरहुड, इसी तालिबान के साथ, आतंकी संगठनों के साथ, कई दूसरे जो आईएसआईएस है, जो दाइश है, उसके साथ राहुल गांधी ने लंदन में हमारी सरकार को कंपेयर किया था कह के कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो सीरिया। तालिबान का दम अलकायदा का कश्मीर बम, जी हां, अलकायदा ने मुबारकबाद दिया तालिबान को अफगानिस्तान जीतने पर, साथ ही कह दिया कि हम तमाम इस्लामी जमीनों को वापस हासिल करेंगे, कश्मीर का भी नाम लिया। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक। आज तक।